नमस्कार दर्शक मित्रों, S24 न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है सी डस शॉर्ट फिल्म जो आ रही है उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम सबको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ये फिल्म विकास जी, आपने ये फिल्म बनाने का विचार कैसे आया और ये जो फिल्म है वो आज के यंग जनरेशन के लिए बनी गई है, तो इस फिल्म के लिए आपने के कैसे विचार आया वो सब हमारे दर्शक मित्रों को बताइए, उसके बाद हम सबका इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। पहले आपकी टीम के बारे में भी बताइए आप। हेलो, मेरा नाम विकास दोषी है। हम लोग सूरत में एक यूथ नेशन के नाम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है यूथ के लिए कुछ न कुछ करना। जहाँ पे भी यूथ को कोई ना कोई कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन के लिए, यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इस सोच के साथ में हम लोग ये यूथ नेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये जब शुरू किया था, ये जब ख्याल आया 2014 की नवंबर में, वो ख्याल आने के पीछे वजह भी ये थी कि कुछ लोग हमारे ऐसे थे दोस्तों में जो कहीं ना कहीं पे ड्रग की लत में थे या फिर कहीं ना कहीं पे ऐसे पीर प्रेशर में थे अपने घर की फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये सब सोचने के बाद में हमने सोचा कि एक काम करते हैं, यूथ के लिए कुछ करते हैं। इसके लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी और बात करके हमने नवंबर 2014 में इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया। और जब हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जब बाहर निकले तो हमको पता चला कि यूथ के साथ में जो मैंने बताया, इसके अलावा सबसे बड़ी जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ इतनी तादाद में बढ़ रही है कि अगर उसको अगर वक्त पे रोका नहीं गया तो ये पंजाब नहीं शायद इस दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगी जो सिर्फ ड्रग्स पर ही जीते हैं। बस इसीलिए हम लोग ने ये ड्रग्स पे काम शुरू किया। हमने 26 जनवरी 2015 में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उसके बाद में हर साल 26 जनवरी को हम लोग इसी सिलसिले में एक रैली निकालते हैं। इस पूरे शहर को इस रैली के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि ड्रग आपकी फैमिली की और आपके बच्चों की लाइफ में कितना नुकसान कर सकता है। इसमें अभी मेरे साथ में बिन्नू खन्ना है, ये हमारे यूथ नेशन की सेक्रेटरी है। इसके अलावा ये तोरल शर्मा है जो कि सीडस नाम की जो हमने मूवी बाजू में जो बैठे हैं वो पीयूष जायसवाल हैं जो यूथ नेशन के मेंबर हैं। यहाँ मेरे बाजू में जो बैठे हैं वो हैं साहिद तुर्क, ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं और जब हमने इनके पास में ये प्रोजेक्ट लेके गए कि इस तरह की मूवी बनानी है तो इन्होंने बिना कुछ चार्ज लिए इस मूवी को बनाने के लिए तुरंत हाँ कह दिया और कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी कि मैं भी सोसाइटी के लिए आपके साथ मिलकर कुछ काम कर सकूं। जिस उसके बाजू में है वो है अपना साकिब कपाड़िया, ये इस फिल्म में एक्टर है। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी जगह पे एक्टिंग करी है। बाजू में जो है वो अक्षय जैन है, वो भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाजू में जो है रुबीन देसाई, जिन्होंने इस मूवी के अंदर म्यूजिक और बाकी सारी एडिटिंग का काम किया है। और भी आपके मतलब है उसमें मूवी के अंदर, तो वो शायद इधर आए नहीं है तो उनका भी आप नाम देख सकते हैं। इसके अलावा इस मूवी के अंदर एक और हीरोइन है जिसका नाम है श्रेया तिवारी, वो इसके अलावा उसने गुजराती 2-3 मूवियों के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। इसके अलावा ये टीम तो काफ़ी बड़ी है सीडस की, जिन्होंने कहीं ना कहीं छोटे बड़े रोल किए हैं तो यहाँ तो सब नहीं आ पाए, लेकिन उन सब के अथाह प्रयासों की वजह से हम ये मूवी को आज रिलीज़ करने वाले हैं। 25 जून 2017 इसी साल हम 25 जून को इसको शाम को 4 बजे साइंस सेंटर में रिलीज करने वाले हैं। इसका स्क्रीनिंग करेंगे, फिर उसकी DVD वगैरह बना के हम इस शहर के, इस देश के जितनी भी स्कूल कॉलेज हैं उन सब में इनकी DVDs बांटेंगे और उनको कहेंगे कि भाई इन DVD को अपने स्कूल रूम में, इनके ऑडिटोरियम्स में दिखा के बच्चों को एजुकेट करें ताकि बच्चे इन जी। मैं आप साहिद जी आपको पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने फिल्म बनाई है, आपने डायरेक्ट की है ये फिल्म को, तो इसमें एक्सक्लूसिव ऐसा क्या है और आपको कैसे मतलब शूटिंग के वक्त में आपको कैसा कैसा अनुभव हुआ वो बताइए। ओके, सबसे पहले तो आई थिंक मेरी और विकास जी की यूथ नेशन के बिहाफ पे यही बात हुई थी कि यू नो अवेयरनेस के लिए हम एक फिल्म बनाएँ एंड ऑलरेडी एक सोशल अवेयरनेस पे यू नो डिस्कशन थी तो आई वॉन्टेड टू डू इट। दूसरा एक ड्रग का टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है, एक डार्क सा उसमें शेड है एंड यंगस्टर्स के रिलेटेड है, तो समथिंग इंटरेस्टिंग यू नो इन माई करियर टू डू ऐसा, तो दैट्स हाउ आई गॉट इन टू इट। एंड अगर आप मूवी को देखेंगे भी तो उसमें भी यू नो देर इज़ एंटरटेनमेंट, अच्छे से गाने हैं,
कॉलेज लाइफ दिखाई गई है, यूथ को दिखाया गया है, एंड देन साथ ही साथ ड्रग रिलेटेड जो रीजनिंग होते हैं कि लोग क्यों ड्रग्स करते हैं, और उसके बाद की जो कंक्लूजन है कि नो ड्रग में घुस जाने के बाद क्लाइमेक्स कैसा होगा आपकी लाइफ का, तो वो भी हमने दिखाया हुआ जी। रियलिटी में मतलब जो ड्रग्स लेते हैं वही ऐसे ही फिल्म में आपने जो बताया है वो क्या है? हमने कोशिश यही की है कि हम डिफरेंट रीजंस बताएं ड्रग लेने के और डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रग दिखाएं। जैसे हमने इसमें कोकेन हेरोइन दिखाया है, वीड दिखाया है, उसी तरह रीजनिंग में हमने दिखाया है कि लोनलीनेस, रेहान करके कैरेक्टर है जो कि ही गेट्स मोर डीपर इन टू ड्रग एक पॉइंट पे क्योंकि ही इज़ लोनली। जेसिका करके कैरेक्टर है, शी गेट्स मोर इनटू ड्रग्स क्योंकि शी इज़ इनटू डिप्रेशन, वो अपने इमोशंस को निकालना नहीं चाहती और दबाना चाहती है, इसलिए वो ड्रग्स लेती है। मतलब ये लेडी भी ड्रग्स लेती है, वो आपने दिखाया है उसमें, एंड आई मीन आई थिंक यही रियल रीजंस होते हैं लोग ड्रग्स क्यों यूज़ करते हैं, एंड उसका अगली फेज भी दिखाया है विच आई थिंक यू कैन सी इन द मूवी इटसेल्फ। ये फिल्म की शूटिंग कहाँ पे हुई थी? फिल्म की शूटिंग पूरी सूरत में ही हुई है जी। कुछ ऐसे कॉलेजेस है, एसडीजेएन कॉलेज है, आईबीसी मॉल है, क्रिस्टल पैलेस है, तो सूरत के ही कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जो जुड़े हैं मूवी के साथ, मेनली बिकॉज ऑफ द कॉज। जैसे यूथ नेशन का इंटेंशन था कि हम यू नो अवेयरनेस फैलाएं, तो इस नोबल कॉज में जितने लोग हो सकते थे उन्होंने ना अपना एक कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन निभाया है। जैसे हमने स्टोरी लिखी है और डायरेक्शन किया है, इन्होंने एक्टिंग की है, उसी तरह लोकेशंस देना हो या यू नो किसी भी तरह से जुड़ना हो, दे ऑल हैव कम टुगेदर टू स्प्रेड द अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग्स। कितने समय में ये मूवी आपकी ये बनी है? इसकी शूटिंग 25 डेज चली थी। ओके। एंड एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, म्यूजिक, डबिंग मिला के इट टुक ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स। ओके फाइन गुड। शाकिब जी, आपका इसमें क्या रोल है वो थोड़ी सी झलक आप बता दीजिए। मेरा रोल इसके अंदर है कबीर नाम का एक, लाइक देयर इज अ गाय नेम्ड कबीर, सो उसको ये हिज फिल्टरेज, उसके पास काफ़ी पैसा वैसा है, एंड ही इज़ गॉट टू फ्रेंड्स, एक है जेसिका और एक है रेहान। सो उसमें ये रहता है कि वॉट कबीर वॉन्ट्स फ्रॉम लाइफ इज ही जस्ट वॉन्ट्स एक्साइटमेंट, ही जस्ट वॉन्ट्स फन। सो कबीर का सोल पर्पज़ था टू गेट इन टू ड्रग्स वॉज टू ट्राई न्यू थिंग्स, कि ओके लाइक ही फाउंड समथिंग कि भाई ओके देर इज समथिंग लाइक दिस, कि ठीक है नशा है, और वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, एंड देन वो उसकी तरफ खींचता चला गया। और इसके साथों साथ उसके जो बाकी जो दो दोस्त है, वन इज़ जेसिका जो कबीर की मूवी में गर्लफ्रेंड बताई गई है, सो वो भी, और साथ में रेहान जो उसका दोस्त है जो काफ़ी सीधा सा बंदा है, सो बट वो उन दोनों को लेकर उसके अंदर घुस गया। बट धीरे 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 हर कोई जाकर इसके अंदर इतना डीप हो चला कि सबको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो परिणाम है वो हर किसी को फेस करना पड़ा। जी बहुत ही बढ़िया। अक्षय जी, आपसे मैं बात करूँगी, आपका इसमें क्या रोल रहा है? फाइनली मेरा इस मूवी में रेहान नाम का कैरेक्टर है जो कि एक काफ़ी यंग बॉय है, अराउंड 20। उसका ये कैरेक्टर है कि ऐसे फ्रेंड सर्कल्स में आ जाता है जिससे वो इन्फ्लुएंस होते जा रहा है कि कुछ ना कुछ उससे शॉकिंग जैसा लगता है, अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मतलब ये शौक है, मेरी गुडविल बढ़ रही है, मेरी इमेज बढ़ रही है, लोग मुझे पहचान रहे, और वो चीज़ शाहिद ने ऐसे प्रेजेंट किया है कि हकीकत में इसकी रियलिटी बहुत ख़राब है, जैसे कि लत लग जाती है तो उसके बाद छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ दिन ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे नशे ड्रग ले लिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं मिल रहा है, तो वो जो बंदे पे अपना फील होता, तड़प होती है, वो बेसिकली इस मूवी में प्रेजेंट किया है, और वो बहुत ही अच्छे तरह से प्रेजेंट किया है ताकि हर पेरेंट्स, हर यंगस्टर, हर लोग वो मूवी को देख के कुछ सीख सके कि हकीकत में हमारा बेटा अगर ये चीज़ ले रहा है, अगर हमारा बेटा ये चीज़ ले रहा है तो उसके ऊपर जो तड़प पड़ रही है, तो उसमें पूरी मूवी में बताया गया है कि ऐसे हमारा बेटा तड़प सकता है। तो ताकि पेरेंट्स से वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बेटे को डिटेक्टिव बने, ताकि उसको देखे कि कहीं वो ये गलत वे में नहीं जा रहा है और एक पॉजिटिव वे पकड़ रहा है,
हर एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए ताकि एक शॉर्टर एज पे उसको पकड़ के उसको सही सलामत और एक अच्छा वे बताना चाहिए। और वो बहुत थैंक्सफुल बोलना चाहता हूँ विकास जी को कि इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को उनने इस सूरत सिटी में लेके आया है। हालांकि सूरत तो बहुत ग्रोइंग है टेक्सटाइल में, डायमंड में, बट ग्रोइंग सिगरेट, दारू, अल्कोहल, सब चीज़ में कोकेन, वीड, बहुत ड्रगिस्ट भी बनता जा रहा है। तो उनका यूथ नेशन एक ऐसा एनजीओ है कि काफ़ी हेल्पफुल है जो लोगों ये इसमें बीत गई है। जी बहुत ही बढ़िया। अभी मैं तोरल जी आपको पूछना चाहूँगी कि आपका रोल इसमें कैसा रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? ओके, मेरे कैरेक्टर का नाम इसमें कियारा है और मेरा कैरेक्टर इसमें ड्रग्स के अगेंस्ट होता है हमेशा। मेरे कैरेक्टर के थ्रू इस मूवी में दिखाया है कि एक ड्रग एडिक्ट की पर्सनल लाइफ कितनी बुरी तरीके से स्पॉइल हो सकती है, जिसमें मैं एक रिलेशनशिप में होती हूँ और मेरा पार्टनर ड्रग एडिक्ट होता है और उसको निकालने के लिए मैं एफर्ट्स देती हूँ पर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है और चीज़ें एंड अप होती है हॉस्पिटल में मेरे पार्टनर के साथ और रिहैब में। और इस मूवी में काम करना मेरे लिए ऑब्वियसली आई वाज वेरी लकी क्योंकि मैं पहले इस मूवी की एक्ट्रेस से पहले मैं एक यूथ नेशन की मेंबर हूँ। तो मेरे लिए मेरा ये मूवी में काम करना एक यूथ नेशन और एक सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन था। मतलब फर्स्ट टाइम आपने एक्टिंग की है या पहले भी कुछ किया हुआ है? एक्चुअली आई एम इनटू मॉडलिंग एंड एक्टिंग, तो विकास जी के थ्रू मेरे को इस मूवी में काम करने का चांस मिला। जी बहुत ही बढ़िया। विकास जी, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने फिल्म बनाई है तो युवा जो पीढ़ी है उनके लिए बनाई है, मतलब सूरत के लिए तो है ही, बट सूरत के बाहर भी ये शायद आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी ये फिल्म को हम लोग रिलीज कर सकते हैं ताकि बाहर भी लोगों को ये पता चले और युवा पीढ़ी जो इस चंगुल में फंसती जा रही है तो उससे बचे, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? सी वैसे तो ये मूवी बनाने का मेन उद्देश्य सिर्फ सूरत की यूथ को एजुकेट करना नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे हिंदुस्तान में जितनी भी यूथ है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उस पूरी यूथ को हम डीवीडी के माध्यम से स्कूलों कॉलेजों में भेज के एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। और इसी सिलसिले में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर गुजरात के हरिओम गांधी जी, और मेरी इस बारे में उनसे भी बात हुई है काफ़ी बार और उन्होंने हमको ये सपोर्ट देने का बोला कि आप एक बार ये मूवी बन जाती है फिर आप हमारे पास में आइए, देन विल टेक दिस मूवी टू यू नो टॉप लेवल पे। हमारा ये भी टारगेट है कि इस मूवी में से एक हम छोटी सी क्लिप बनाए, आपने देखा होगा थिएटर में एक मुकेश हराने के नाम से एक क्लिप आती है जिसमें सिगरेट आपकी बॉडी को या तंबाकू कितना नुकसान करता है, तो इस मूवी में से हम लोग 25 से 30 सेकंड की एक ऐसी क्लिप निकाल के हिंदुस्तान के सारे थिएटर में यहाँ के राष्ट्रपति से मिल के उसको वहाँ पर चला सके, एक यू नो लीगल वे में चला सके या वैसा हम लोग एक प्रयास करेंगे ताकि पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि सिर्फ सिगरेट, तंबाकू और गुटखा ये तीन लत बुरी है ऐसा बताया गया है, तो ये एक मैसेज ऐसी क्लिप्स हम देंगे ताकि लोगों को पता चले कि इसके अलावा ड्रग भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान कर सकती है। जी आई थिंक 25 को ये फिल्म की स्क्रीनिंग होने वाली है, तो कहाँ पर होने वाली है और कितने बजे वैसे होने वाली है वो बताइए? ये 25 जून को संडे को दोपहर को 4 बजे हम लोग इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे, 4 से 5 बजे इसका एंट्री होगा सारे गेस्ट का, जैसे मूवी में होता है वैसे उसी तरीके से हम लोग रेड कारपेट एंट्री करने वाले हैं और 5 से 6 के बीच में इसका स्क्रीनिंग होगा जिसमें हम लोग ड्रग्स के रिलेटेड कुछ परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं, जिसमें यहाँ के एक IDT करके एक फैशन इंस्टीट्यूट है जहाँ के बच्चे ड्रग्स के ऊपर लाइव स्किट करेंगे, वहाँ परफॉर्म करने वाले हैं और इस मूवी में जो एक गाना फिल्माया गया उसी गाने के ऊपर वो लोग कुछ एक्शन भी करेंगे, मतलब कुछ प्रोग्राम भी करने वाले जी। तो रूबीन जी अभी आपके ऊपर आती हूँ मैं। इस फिल्म में म्यूजिक शायद आपने दिया हुआ है, तो जो नॉर्मल फिल्म में म्यूजिक में और ये फिल्म का जो म्यूजिक है उसमें क्या डिफरेंट है, कुछ एक्सक्लूसिव है क्या? एक्सक्लूसिव में ऐसा है कि ये जो पूरा जो जॉनर है ड्रग्स के ऊपर, तो वैसे ही बहुत ही कम मूवीज बनी है अभी तक, तो इसके अंदर स्टार्टिंग का एक पार्ट वैसा है जिसमें फन मस्ती सब दिखाया गया है और दूसरे पार्ट में फिर उसका जो डार्क शेड है वो दिखाया,
तो बहुत ही चैलेंजिंग था और एक्साइटेड था मैं म्यूजिक के लिए कि दोनों पार्ट अच्छे से दिखा सके और हर एक सीन प्रॉपर फील आ सके. और इसके अंदर हमने एक गाना भी बनाया है जिसमें फन मस्ती सारी चीज़ें हैं. इसमें कुछ गाना भी है मेरे ख्याल से. इसमें एक गाना भी है जो मतलब शॉर्ट फिल्म में गाना नहीं होता है. इसमें आपने गाना भी डाला हुआ है. तो बेसिकली शॉर्ट फिल्म में अभी तक गाने यूज नहीं हुए हैं और हमने ऐसा नया ट्राई किया है कि एक गाना भी रखें शॉर्ट फिल्म में. तो सुनते हैं हम गाना फिर इस फिल्म का गाना सुने. हाँ सुनते हैं. खत्म हो गया क्या? दर्शक मित्रों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये गाना. आपको अच्छा लगा होगा. अभी ये आपको जो मूवी देखनी है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा. 26 को वर्ल्ड ड्रग्स डे है तो उसी के उसमें हम लोग जो मूवी है वो रिलीज़ करने वाले हैं. बट 26 को स्कूल या कॉलेजेस में रिलीज़ होगी और यूट्यूब पे देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा. बिंदु जी मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप ये यंग जनरेशन जो है उनको क्या संदेश देना चाहेगी? जी आप युवा मतलब यूथ नेशन की जो मेंबर हैं. जी बिल्कुल. तो
मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि एक्चुअली आजकल सबको एक लत है कि हमें कोई ना कोई नशा करना है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर नशा करना है तो कोई अच्छी चीज़ का कीजिए, कोई म्यूज़िक सुनने का नशा कीजिए, कोई ड्राइंग का कीजिए, कोई अपनी हॉबी का नशा कीजिए, पर प्लीज़ ऐसे नशे मत कीजिए कि जिसमें आपका पूरा परिवार आपके साथ परेशान हो जाए। क्योंकि आप जब ये मूवी में देखोगे कि ड्रग्स लेने में पहले तो बहुत मज़ा आता है पर आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस इतने ख़राब होते हैं, तो प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड एंड प्लीज़ जस्ट से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। विकास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? 26 को वर्ल्ड ड्रग्स डे है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? साल में ये एक ही बार आता है हर दिन की तरह वर्ल्ड ड्रग्स डे, इस और इस दिन पे हम लोग हर साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। दो साल से हम लोग वीआर मॉल में बहुत सारे स्कीट और ये सारा करके लोगों को एजुकेट करते हैं। इस साल 26 जैन को मंडे होने की वजह से 26 फिफ्थ को हम लोग ने ये मूवी बना के देश को समर्पित की है ताकि देश को कैसे भी करके एक मैसेज मिले। और 26 जैन को भी हम लोग एक जून को भी हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करने वाले वीआर में इसी ड्रग्स के ऊपर। जी, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब हमारे स्टूडियो में आए हैं तो आप सबकी मैं बहुत ही आभारी हूँ। मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके।